रायपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां सदन में विपक्ष की कम संख्या पर तंज कसा है। अजय चंद्राकर ने कहा कि पूरा विपक्ष न्याय यात्रा में जुटा हुआ है, सदन की चिंता छोड़ पूरी पार्टी यात्रा पर निकल पड़ी है। राजेश मूणत ने कहा कि पूरी पार्टी युवराज के स्वागत में लगी हुई है, भूपेश बघेल का नाम हटाकर अपना नाम लिखने की होड़ मची है। अजय चंद्राकर ने कहा कि यात्रा पर भी आप स्थगन ले आइए। कांग्रेस विधायक रत्नेश्वर बघेल ने कहा कि सदन की कार्रवाई के लिए हम मौजूद हैं। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, सदन की कार्यवाही में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे उठाया गया, विपक्ष की अलग प्रतिक्रिया थी और साथ ही साथ विपक्षी नेताओं की संख्या कम होने को लेकर के भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने खूब इसको लेकर के चुटकी ली है। क्या पूरा घटनाक्रम, किस तरीके का माहौल आज विधानसभा में देखा गया? देखिए, बुसरा विधानसभा के बजट सत्र की जो छठवें दिन की कार्रवाई है वो प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। जिस तरीके से न्याय यात्रा राहुल गांधी की चल रही है उसमें तमाम कांग्रेस के विधायक शामिल होने गए हैं, इसलिए संख्या यहाँ पर कम थी। यहाँ पर 15 से 17 विधायक ही सदन पहुँचे थे और इसको लेकर ही प्रश्नकाल शुरू होते ही तंज कसा गया। सबसे पहले जो पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं अजय चंद्राकर, उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष न्याय यात्रा में जुटा है, सदन की चिंता करनी छोड़ पूरी पार्टी यात्रा पर निकली है। राजेश मूणत ने भी इसी तरीके की बात कही और ये तंज एक तरीके से कसा गया कांग्रेस के ऊपर। लेकिन प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए गए थे विपक्ष के विधायकों के द्वारा, सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा। प्रश्नकाल में ओपीएस एनपीएस का मुद्दा भी गूंजा, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो कांग्रेस के विधायक लखेश्वर बघेल ने उठाया। बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने प्रश्न पूछे। रामविचार नेताम जो मंत्री हैं उन्होंने जानकारी दी, बस्तर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 1554 कामों के लिए 5,93.23 लाख स्वीकृत किए गए हैं और इसको लेकर सवाल पूछा गया था। हालांकि इस मुद्दे को लेकर जो पूर्व मंत्री हैं कवासी लखमा और रामविचार नेताम जो वर्तमान में मंत्री हैं उनके बीच काफ़ी तिखी बहस हुई और ये मुद्दा काफ़ी गर्माता रहा। 10 मिनट से अधिक तक इस मुद्दे पर चर्चा होती रही। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया बीजेपी के विधायक मोतीलाल साहू ने। उन्होंने जो प्रयास विद्यालय में भ्रष्टाचार हुआ है उसका मामला उठाया, इसमें जांच की बात रामविचार नेताम ने कही है। लेकिन प्रश्नकाल के बाद ध्यानाकर्षण का जो सेशन होता है उसमें बीजेपी के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने स्मार्ट सिटी में जो गलत तरीके से काम हुए हैं उसका मुद्दा उठाया और ये मुद्दा काफ़ी गुंजा। और इसमें जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, उन्होंने जांच का ऐलान किया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विधायक की चिंता जाहिर है, मामले की विभागीय जांच होगी, जो चौपाटी हटाने के संबंध में अर्बन डेवलपमेंट विभाग से चर्चा कर कार्रवाई की जाएगी और नगरी प्रशासन मंत्री से चर्चा कर रायपुर नगरी क्षेत्र के कामों में जहाँ गड़बड़ी हुई है, जहाँ जहाँ शिकायतें आई है वहाँ पर कार्रवाई होगी। कि ये दिन भर की कार्रवाई में यहाँ पर ये मुद्दे निकल कर सामने आए हैं। बजट पर चर्चा शुरू हो चुकी है, मंत्री कवासी लखमा ने कांग्रेस की ओर से यहाँ पर पहली बात रखी है बजट को लेकर। अभी फिलहाल भोजन अवकाश है, 3 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित है जी। इसके अलावा भी प्रमुख और भी मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर रहा है आज, क्योंकि जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे हेमंत के, आज तमाम मंत्री अपने अपने विभागों से जुड़े जो सवाल है उनके जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब भी ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष अपनी तैयारी को लेकर के संकेत दे रहा है, क्योंकि लंच का समय है जब मंत्रियों के विधायकों के बाहर आने का सिलसिला हुआ, तब आपकी उनसे खास बातचीत हुई होगी, उनकी तरफ से किस तरीके के तर्क नजर आ रहे हैं हेमंत? देखिए, सभी जो पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं उनसे बातचीत हमारी हुई है, सभी ने उसी तरीके की बात कही। प्रश्नकाल के दौरान यहाँ पर तिखी बहस सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से देखी गई। देखिए, चूंकि ये सरकार का पहला बजट सत्र है और इसमें अधिकतर जो सवाल हैं वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान के हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हंगामा सदन में देखने को मिल रहा है जी।
और इसके अलावा अब से कितनी देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, साथ ही जो एक प्रमुख मुद्दा सदन में आज रहा, जो विपक्षी नेता हैं, विधायक हैं, उनकी संख्या को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठाए गए, इसको लेकर कैसा माहौल विधानसभा में देखा गया? देखिए उसको लेकर टिप्पणी की गई थी, जो सत्ता पक्ष के तमाम विधायक हैं, अजय चंद्राकर हैं, राजेश मूणत हैं, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो संख्या कम थी, उसी को लेकर तंज कसा गया। और मैंने पहले जिस तरीके से बताया, दूसरा राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, कोरबा से आज यात्रा शुरू हुई है, उसमें तमाम कांग्रेस के विधायक शामिल हैं और इसीलिए तमाम जो विधायक हैं वो सदन नहीं पहुँच पाए हैं और उसी को लेकर ये तीखी बहस सदन में देखने को मिली। बीजेपी के तमाम विधायकों ने इसको लेकर तंज कांग्रेस पर कसा भी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जग